नमस्कार आदाब दोस्तों, मुमरा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष और एक बड़ी खबर पर। कैसे लोगों को लूटा जा रहा है OLX से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यदि OLX पे शॉपिंग करते हो, कोई चीज़ खरीदते हो या बेचते हो तो सावधान रहिए, क्योंकि लोगों ने नए नए तरीके ढूंढ निकाले हैं OLX पर चूना लगाने के। एक शख्स जिसका नाम इमरान शेख है, मुमरा का रहने वाला, जब OLX पर एक्टिवा गाड़ी ढूंढ रहा था तो वहीं उसे कुमार नाम के शख्स का कॉन्टैक्ट नंबर मिला और OLX पर उसने एक्टिवा बाइक दिखाई। जब कुमार से इमरान ने एक्टिवा बाइक की डिटेल्स मांगी तो उन्होंने कहा कि मैं नेवी में काम करता हूं, एयरपोर्ट पर जॉब है मेरा, अगर आपको अंदर आना है, गाड़ी देखनी है तो आपको गेट पास लेना होगा, जिसके लिए आपको 2000 रुपये देने होंगे एडवांस। ऐसा कहकर उसने चूना लगाने की कोशिश की, मगर इमरान ने सावधानी बरतते हुए उसे एक पैसा दिया नहीं। आइए जानते हैं उनकी कुछ कॉल रिकॉर्डिंग की भी बातें हैं हमारे पास कि आखिर क्या वाकया था। हेलो हेलो, हाँ भाई बोलिए। हाँ भाई, वो एक्टिवा के लिए फोन किया था ना आपने, कब किया? हेलो, हाँ बोलिए। वो 2018 की एक्टिवा थी ना आपके पास में? जी 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 बोलिए। उसके लिए कॉल किया था ना अभी? हाँ बोलिए। हाँ कुछ बोल रहे थे आप तो भी, फोन पे आवाज नहीं आती, क्या बोल रहे थे? हाँ एक बार मैंने बता तो दिया ना भैया। क्या चीज? कि आपने छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बात कर रहा हूँ, CIA। हाँ तो उसके लिए आपको एयरपोर्ट से गाड़ी तभी बाहर आएगा जब उसका गेट पास बनेगा, 3150 रुपीज का। ओके कितना? 3190। 3150। अच्छा, जो अपने डील से माइनस होगा, जब जो डील हो जाएगी उसमें से माइनस होगा पैसा? हाँ उसमें से माइनस होगा भैया। तो ये पेमेंट आपको कैसा, पेमेंट कैसा करना रहेगा आपको? अकाउंट टू अकाउंट होगी, जो कार्गो ऑफिस का अकाउंट होगा उसी पे पूरा डील जाएगा आपका। ठीक है, बिल वगैरह उसका क्या भैया? 23 भैया लास्ट। नहीं नहीं, बिल वगैरह मिलेगा उसका जो आप अभी पेमेंट लोगे पहले 3000 का? हाँ वो रिसीव होगा। अच्छा तो आपका अकाउंट नंबर व्हाट्सएप करिए, मैं व्हाट्सएप पे आपको मैसेज किया था। कब किया? हाय करके मैसेज किया आपको मैंने, आप अकाउंट नंबर मैसेज कर दीजिए, सुबह आपको पेमेंट कर देता हूँ मैं। और बाइक देखने कभी आ जाऊं मैं? हेलो नमस्कार सर। हाँ कौन सर? आपने ओएलएक्स पे नंबर अंदाज की बात की? हाँ 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 सर बोलिए। हाँ क्या बोल रहे थे उसका, बोलिए ना। क्या सर? लोन वगैरह है क्या उसके ऊपर? ना सर, कैश का दिए, कैश लोन नहीं है। क्या है इसका अमाउंट, कितना बोल रहे हैं सर? अमाउंट 22 अमाउंट। मॉडल कभी का है सर? 2017 मॉडल। कहाँ पे गाड़ी? ये छत्रपति महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मेरी मुंबई से बात कर रहा हूँ सर, ऑफिस से बात कर मेरे। हाँ तो गाड़ी देखने कहाँ मिलेगी? तो सर आप चाहते तो आपका राइट लोकेशन पे गाड़ी मंगा लो, आप चाहते सर एयरपोर्ट पे सकते हो। ओके हाँ तो सर बताइए आपका राइट लोकेशन गाड़ी आएगा सर एयरपोर्ट पर? नहीं नहीं आके देख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके सर, ये मेरे सेम व्हाट्सएप नंबर से आई लिख कर सेंड करो, मैं गाड़ी की पीओ भी डिटेल सेंड कराता हूँ। ठीक। हेलो, हम ये नंबर डाले ना अपने वाले पर, राजकुमार बात कर रहा हूँ, लेके वो अपने लेने वाले। हाँ बोलो। कहाँ से लेकर आए? कौन से एक्टिवा का? 18 मॉडल। कितना पैसा बोल रहे? क्या भैया? कितना पैसा बोल रहे? हेलो हाँ, कितना प्राइस, कितना बोले? हाँ बोले ना, प्राइस कितना बोल रहे? 25 भैया। हाँ और मॉडल, ओनर कितने उसके? क्या ओनर कितने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कितने ओनर है? फर्स्ट। अच्छा गाड़ी कहाँ पे? हेलो हेलो हेलो, हाँ गाड़ी कहाँ पर है? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भैया। अच्छा तो गाड़ी देखने आना था, फिर गाड़ी कैसे क्या देखने मिलेगी कहाँ पे? भैया देखो एयरपोर्ट के अंदर तो आप एंट्री नहीं होगा, आपको भी मालूम है। ठीक है हाँ, हम मुझे बता दो कहाँ पे गाड़ी निकलवाना, मैं वहाँ आपको गाड़ी रिसीव करा दूँगा। थाने में रिसीव करवा दो। क्या? थाने थाने में। अच्छा वहाँ तो गाड़ी कोई कोई सुनने का, गाड़ी भेज दूंगा। हाँ
उसके लिए आपको गेट पास बनाना होगा भैया 3,100 का, ओके। अच्छा, अपना डील से माइनस होगा भैया। अच्छा हाँ ठीक है, आप चाहे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर एक बार हाई कमेंट से डाल दो, मैं गाड़ी का डिटेल और पिक्सल कर देता हूँ आपके लिए। ओके ठीक है, ओके। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूले, और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना भूले।